हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? होप सो माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जो मौजूद हैं, हम जा रहे हैं लाहौती पिकनिक पॉइंट पे, जो कराची शहर में गडापी तरफ है और काफ़ी फेमस प्लेस है। और अभी रिसेंटली ज़्यादा अभी जो बारिशें हुई थी, बारिशों का जो मानसून का जो मामला हुए थे, जितनी तेज़ बारिशें हुई थी, तो वहाँ पर एक झरना टाइप, एक जो है आबशार टाइप के, मतलब वहाँ पर बन गया है। तो अब हम यहाँ पे आए हुए हैं, अभी मतलब बीच में से दो तीन नदियाँ क्रॉस करनी है आपके सामने। ये मेरे पीछे से भी पानी जा रहा है, ये देखें नीचे से भी है और बैक साइड पे भी है। और ये जो ज्वाइन करता है, एक रोड जो था वो बीच में टूट भी चुका है उसकी वजह से। आप ये देखें बीच में एक, वो आप देख रहे हैं जहाँ आयरूफ खड़ी हुई है, इस तरफ से रोड जो है ब्रेक है, और वो रोड पहले था वहाँ से स्ट्रेट होके वो उस तरफ था, वहाँ से वो भी ब्लॉक हो चुका है। तो अब हम लोग बीच में कच्चे की तरफ से, मतलब बीच में पानी जो नदी सी बनी हुई है, इसको क्रॉस करके फिर जाएंगे उस तरफ। तो आप लोग साथ रहिएगा, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है और बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, यकीन माने मुझे बहुत पसंद आया और मैं ख़ुद भी जो है यहाँ पे काफ़ी मतलब एक्साइटेड हूँ। अभी तक तो मुझे नहीं पता, बट इंशाल्लाह होप्स हो कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ, खैर खैरियत से, अल्लाह ताला खैर खैरियत से ले जाए और खैर आफियत से वापस ले आए, आमीन आमीन आमीन। तो आप लोग साथ रहिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग ये देख रहे हैं रास्ते में हमने तकरीबन ऐसी जो नदी है ना, दो से तीन क्रॉस की हैं, अब ये चौथी है। और पानी आप देख रहे हैं इसका फ्लो चेक करें कैसे, ये पानी यहाँ पे कुछ ठहरा हुआ है और ये देखें साइडों पे जो है पहाड़ हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें पानी का बहाव जो है ना, ये फ्लो चेक करें ये, क्योंकि अभी हम बाइक पे जैसे ही आ रहे थे। अच्छा, बाइकों पे आ सकते, गाड़ी आना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि रोड जो है वो ऐसे हैं, तो वो काफ़ी मतलब पानी का बहाव भी तेज़ है। और जैसे ही हम लोग यहाँ से बीच में पहुँचे थे, तो यहाँ से क्रॉस किया ना, देखे सामने से उतरते हुए, तो पानी में रुक गए थे, तो हमने सोचा कि यहाँ से भी ले लें। ये देखें व्यू चेक करें। अच्छा, आगे देखिएगा, मतलब वो जो ये कटती हुई नदी आगे जा रही है ना जहाँ पे, ये देखें पूरा वे बना हुआ है। अब तो खैर पानी काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि यहाँ से डैम की तरफ से पानी कट के जो ओवरफ्लो हुआ है, तो वो सारा पानी निकल के इस तरफ जा रहा है, आगे जाके समंदर बुर्द हो जाएगा। अच्छा, वो रही फिशेस, वो रही आपको नजर आ रही है, जी फाइनली पहुंच तो हम लोग गए हैं, लेकिन अभी भी फंस गए हैं। देख रहे हैं आप ये पानी, ये पानी शूज़। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस करके, ये नदी लास्ट फाइनल नदी है जो क्रॉस करके हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पे फिर आबशार है और मतलब झरने नुमा जो है, जो पॉइंट है ना असल वो है, तो वहाँ पर पहुँच के करेंगे। तो बस निकल रहे हैं, अब पहुँच रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, वो थोड़ा सा रेतीला नुमा जो बजरी है ना, वो रेतीली है काफ़ी, मतलब रेत का बारीक बारीक रेत है, जो मतलब जाहिर सी बात है वहाँ से जब ये गुज़रा होगा यहाँ पे पानी, डैम का पानी जब छोड़ा था और यहाँ से गुज़रा होगा, तो फिर वो रेत छोड़ के चला गया। जैसे यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ से पानी गुज़रा था। गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं और जो लाहौती पिकनिक पॉइंट है, जो काफ़ी मतलब कराची में ये गडाप की तरफ लेकिन डिस्टेंस पे है, सर्च करते 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 फाइनली आखिर हम लोग पहुंच गए। और तकरीबन पाँच से छः नदियां क्रॉस की हैं, और अब यहाँ का जो माहौल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ बहुत ज़बरदस्त आबशारे हैं, और मतलब जो फ्लड का जो पानी था डैम में जो जमा हुआ, वो ओवरफ्लो होने के बाद जो छोड़ा गया है, तो उसका पानी अभी भी यहाँ से गुज़र रहा है। और यहाँ पे एक झरने नुमा और मतलब आबशार टाइप की माहौल बन गया, और यहाँ ये पिकनिक पॉइंट बन गया, और काफ़ी लोग आए हुए कराची के। आप देखें यहाँ पे मेरे पीछे, देखें आप ये देखें, काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। तो अब ये है कि ऑब्वियसली पानी देख के रहा तो नहीं जा रहा, लेकिन इंशाल्लाहुल अज़ीज़ के मैं भी नहाऊँगा, अभी जाते हैं पानी में उतरते हैं और फिर दिखाते हैं। नहीं, ये देखें ये व्यू है, ये देखें,
ये देखें, दूर दूर तक जो है बस चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, और वहाँ से पानी निकल के आ रहा है। अच्छा, मैं आगे भी लेके जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा, देखें। ये है यहाँ पे पानी, ये देखें। ये पानी का शोर है वाकई, मतलब माशाल्लाह। इसके हवाले से जो है, जो अभी वीडियोस बनाई हैं लोगों ने, अच्छी बनाई हैं, और वाकई पॉइंट बहुत अच्छा है और काफ़ी पीसफुल है। बस ये कि यहाँ पे एहतियात की जाए कि यहाँ पे कचरा कूड़ा करकट ना डाला जाए, अंदर डाल के कैरी करके फिर ले जाई जाए तो वो बेहतर है। ये देखिए, ये पानी यहाँ से निकल रहा है, वो ऊपर से आ रहा है, निकलते हुए ये आ रहा है, ये आ रहा है। और काफ़ी स्पीड है भाई, स्पीड भी बहुत, काफ़ी तेज़ स्पीड में आ रहा है। और ये उसके बाद यहाँ से होता हुआ, ये देखें, लग रहा है जैसे हम केपीके में। ये देखें कितनी स्पीड में पानी गिर रहा है, जैसे आबशार की तरह आपको नज़र आ रहा हूँ। मैं क्लोज़ व्यू करूँगा। अच्छा, मछलियाँ भी हैं अंदर, देखें। ये मछलियाँ हैं, नीचे पत्थर भी है, पत्थर के साथ मछलियाँ भी हैं। और ये पानी देखें आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है। मछली की जो आवाम है उनको जो है ये चीज़ जो है वो ऐसी नई जगह हो और अच्छी साफ़ सुथरी जगह जो है वो रास नहीं आती है। देखें यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे राइस गिराए हुए हैं, वहाँ पे शॉपर फेंक दिया है, और जगह जगह पे बॉटल्स फेंक दी हैं ऊपर। ये देखें बॉटल्स फेंक दी हैं, तो खुदारा जो भी ऐसी जगह में हो नीट एंड क्लीन हो और नेचर से रिलेटेड हो, तो जाहिर सी बात है उसको आदमी साफ़ सुथरा रखे, ना कि जो है उसको जो है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आलूदा करना शुरू कर दे। मेरी जो देखने वाले लोग हैं उनसे उनमें से कोई भी जाए तो वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखे कि जगह को साफ़ सुथरा रखे। बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है, लग नहीं रहा, लग रहा है जैसे हम केपीके में कराची है, यहाँ का व्यू है, तो अब आप लोगों को हम दिखाएंगे इंशाल्लाह, और दिखाएंगे आप लोग देंगे, बड़ा मज़ा आ जाएगा आप लोग। ऐसा लग रहा है जैसे केपीके में मजे, नॉर्दर्न एरिया में आप शाने हैं, लाइक सेम वैसे ये उनके
के ही है, मुल्ला चौक मुल्ला चौक में। हाँ हम कुरदास चले जाते हैं, ये कुरदास में बड़ा बेहतरीन जगह है यहाँ पर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लाहौटी पिकनिक पॉइंट, और आप देखेंगे पीछे झरने और आबशार। यकीन माने माशाल्लाह लग नहीं रहा कि हम कराची में ऐसी जगह एक्सेस रखती थी, मतलब ऐसी जगह कराची में मौजूद है हमें अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वाकई माशाल्लाह बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत जगह है, और देखें जगह जगह पे झरने आबशारें, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्यू है, और वाकई मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइएगा, इंजॉय कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, और ऐसी जगहें आपके लिए निकालेंगे और भी नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा हम भी नहाएं पानी में। ये देखें कैसे पानी आ रहा है। ये देखें इसमें मेंढक भी हैं बहुत सारे। अरे 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 ये भागेंगे उछल उछल के, ये भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग, ये भागे। ये पूरी नदी बनी हुई है ना यहाँ पे, ये देखें आगे तक ओ पानी है। ये तो बस फाइनली अब जो है काफ़ी हम लोगों ने नहा लिया, धो लिया, फ्रेश हो गए और खूब स्विमिंग करी है। तो बस अब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, देन वाइंड अप करेंगे, और उसके बाद बस निकलने की तैयारी करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, मतलब माशाल्लाह मतलब कोहिस्तानी इलाका है, ये जो है पहाड़ी इलाका कहलाता है, लेकिन सन्नाटा और काफ़ी मतलब बयाबान है, जंगल बयाबान है। लेकिन ये है कि यहाँ पर पीस है, मतलब काफ़ी सुकून है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा चोरी चकारी वाला, काफ़ी लंबा डिस्टेंस हम लोगों ने तय किया है, रास्ते में कहीं कोई चोरी चकारी नहीं, कोई वो नहीं है कि मतलब कोई छीना झपटी हो जाए, चीज़ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने खैर वाफियत के साथ पहुँचा दिया, और अब वापसी है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें खैर वाफियत के साथ वापस भी पहुँचा देगा। तो बस अब हम लोग पहुँचेंगे, रास्ते में निकलेंगे, अच्छा खासा रास्ता है, थोड़ा सा तय कर लें, तय करके थोड़ा सा शहर, कहीं बीच में कोई शहर मिलता है, कोई देहात मिलता है तो वहाँ पर रुक के हम लोग चाय पानी करेंगे, और फिर उसके बाद घर की तरफ रुख करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, और यकीन माने एक्साइटमेंट थी, बहुत खुशी हुई, और काफ़ी मतलब दिलचस्प और इंटरेस्टिंग भी था, और इन्जॉय किया, और माशाल्लाह आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा, नई जगह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक वी लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा।